यार आज निफ्टी में बहुत बहुत बड़ी गिरावट आई है, जिसका मुझे लग भी रहा था कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो मैंने आपको कहा था कि गिरावट कहीं ना कहीं 17,250 17,300 तक जाएगी, और आज का लो क्या था, 17,280। ठीक है, नेक लाइन तो बहुत पहले टूट चुकी थी, बस ये अगर ओरिजिनल वे में देखिए तो नेक लाइन नहीं टूटी थी, इसलिए आज वो नेक लाइन भी ब्रेक हुई है। अब हमारे पास क्या रह जाता है आज का ट्रेड, और मैं आज आपको बता दूं, मैं आज क्यों मार्केट बिल्कुल एंड में रिकवरी दिखलाया। मैंने आपको अपनी पिछली कई वीडियो में बोला होगा कि देखो ये साइड जो होती है जैसे ब्लू लाइन है, अगर प्राइस ऊपर जाना होगा तो ये हमेशा इस प्राइस का मतलब इस लाइन का सपोर्ट लेगा। देखो गिरावट 18,600 से जब आई थी तो गिरावट तब भी थी, देखो यहाँ पे आया 17,683, सपोर्ट लिया, देन मार्केट कुछ धीरे 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 ऊपर करके गया, बट देन वहाँ से जहाँ से एक सपोर्टिव है वो होता है कि हाँ यहाँ से प्राइस कुछ बनेगा, कि हाँ यहाँ से अप या डाउन की ट्रेजेक्ट्री जो भी बनेगी, देन सडनली प्राइस वहीं से गिरा। और लगातार 4 ट्रेडिंग सेशन में 18,132 से हम 17,280 तक आ गए। तो यही कुछ ऐसा पैटर्न चलता है मार्केट में, जिसे आप अगर क्लोजली वॉच करोगे तो आप समझ जाओगे। तो अब क्या रह जाता है ट्रेड के लिए, एक जो मुझे अभी समझ में आता है अगर आप देखो तो ये आप लाइन लगा लो, जैसे आज जहाँ से अगर ये वापस पलटा है मार्केट तो भी वही सपोर्ट मेरे को नज़र आ रहा है कुछ ये वाला, आने वाले दिनों के लिए मार्केट कहीं ना कहीं यहीं पे कंसोलिडेट कर सकता है। ठीक है, अगर जिसको अगर थोड़ा सा भी लॉन्ग होना होगा, बट हाँ रेजिस्टेंस क्या रहेगा, ये 17,750 रेजिस्टेंस ही बना रहेगा, कुछ ये वाला भी लगा लो 17,620 भी। अब क्या होगा इसके बीच में कि प्राइस यहाँ घूमेगा, यहाँ भी जाएगा ना, तो ये इस ट्रेंड लाइन को ज़रा गौर से देखना, इस ट्रेंड लाइन को ज़रा गौर से देखना, यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा तो यहीं से आएगा, और अगर यहाँ से एक दिन की कैंडल अगर बियरिश बनती है तो यहीं से शॉर्ट बनेंगे, देन हम निफ्टी को और नीचे जाते हुए देखेंगे। आप भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एक्सपायरी आने वाली है, एक्सपायरी से पहले कहीं ना कहीं मार्केट अपने आप को इस तरफ रखेगा, और इस तरफ रखेगा तो थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करेगा। 17,700 ट्रेडिंग रेंज 200-300 पॉइंट की रहेगी आने वाले कुछ दिनों में, उससे ज़्यादा की कोई वो नहीं है। और सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बताया था कि 17,250 17,300 यहाँ से मार्केट बाउंस बैक लेगा, 17,280 से देखो कितनी अच्छी लगभग 100 पॉइंट्स की 100-125 पॉइंट्स की रैली आई रिकवरी की एंड में। अभी हमें करना क्या है, अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाएं, ये देखो एक पिन बार कैंडल बन गई, तो अगर ये पिन बार कैंडल अगर सस्टेन होती है, पहली बात तो अब निफ्टी में अभी कोई ट्रेड लेना लायक रहा नहीं है। ठीक है, नहीं बिल्कुल नहीं, देखो ये वाला लेवल है ना, ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा 17,060 भी, बट मुझे नहीं लगता कि अब इतनी ज़्यादा गिरावट भी आएगी, और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ही आई है ऐसी गिरावट, बुल मार्केट में ऐसी करेक्शन आती रहती है। अगर आप गौर से देखोगे जैसे अगर डेली टाइम फ्रेम पे जाए, ये देखो सबसे गंदा ट्रेडिंग सेशन, देखो इसमें देखो कितनी लॉन्ग लॉन्ग रेड कैंडल्स बनी है, और ये सब कोविड के टाइम की थी। देखो इस दिन निफ्टी 524 पॉइंट नीचे गिरा, इस दिन निफ्टी 200-250 1.5-1.5% यहाँ तो 3.5%, और यहाँ पे 3.5 लगभग 4.25% 2%। मार्केट गिरने का कारण ये था कि कोविड, और इसके अलावा कोई रीज़न नहीं था, बट हाँ ये था। बट आप ये भी देखो यहाँ पे कि मार्केट एक प्राइस एक्शन में चल रहा है, ये वाला कुछ ये वाला,
देख लो, ये भी एक बुलिश पैटर्न था, एक चैनल का ब्रेकआउट था जहाँ पे इस कैंडल को ब्रेकआउट मिला। एंड अगर आप यहाँ जाओ और ऊपर चले अगर हम, तो यहाँ पे भी मार्केट ने क्या करा, प्राइस एक्शन ही बनाया है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि मार्केट पूरी तरह ही गिर जाएगा, कोई स्कैम नहीं है जो मार्केट गिरते ही चला जाए। सिंपल एक वही है कि सेंटिमेंट अच्छे नहीं है कोविड केसेस को लेके यूके में, यूके मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अभी हमें करने गए कि मार्केट एक हेड एंड शोल्डर था, वो ब्रेक हुआ, अब प्राइस थोड़े से कंसोलिडेट कर सकता है, यहाँ से अब नीचे गिरने के चांसेस बहुत कम रह गए क्योंकि बहुत ज़्यादा बिकवाली हो चुकी है, बहुत बहुत ज़्यादा। तो आप एक चीज़ याद रख लो कि एक ट्रेंड लाइन ये वाली सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन, ये थोड़ी मेरी वाइड ज़्यादा है, बट वही है कि कैंडल के हिसाब से मैंने अपनी चूज़ करी है कि हाँ ये कैंडल होनी चाहिए, यही ट्रेंड लाइन होनी चाहिए। सो भी प्राइस इसी के बीच में कंसोलिडेट करेगा। तो अभी ज़्यादा कुछ है नहीं निफ्टी में ट्रेड ले लेना है, स्टॉक स्पेसिफिक सबसे बढ़िया है। अभी जाओ वहाँ पे जो लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उन स्टॉक्स को चुनो, सबसे बढ़िया टाइम यही है और कोई नहीं। बाकी बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी में देखो आज के डे से कितनी अच्छी रिकवरी आई है, कितनी रिकवरी आई है, लगभग 33-36-50 से 650 से 37-128 700 पॉइंट से डेली यहाँ से भी रिकवरी हुई है। तो यह जब यहाँ से अगर रिकवरी हुई है, मैंने भी कहा मतलब यही कहा था कि हाँ यहाँ यहाँ कहीं मार्केट ना रुकेगा, यहाँ कहीं ठहर सकता है, तो हम यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस लगाएंगे जिसको भी लॉन्ग होना हो, अभी तो खैर कोई लॉन्ग होना नहीं चाहेगा, बाकी अगर जिसको भी लॉन्ग होना है ये है 36-250 का स्टॉप लॉस और कुछ ये वाला, कुछ ही वाली ट्रेंड लाइन है। मार्केट हमेशा प्राइस एक्शन बनाकर ही चल रहा है अभी भी। तो आप एक चीज़ ध्यान रखना कि अब ये 36-205 के भी आसपास आए, या फिर ये जो आज का जो मान लो अगर ये लो अगर टूटा है, लो जो बना था वहाँ से रिकवरी हुई है ये वाली, इसको भी स्टॉप लॉस बना के चल सकते हो आप और जो एग्रेसिव ट्रेडर है। बट मुझे नहीं लगता ये 36-200 भी आएगा दोबारा, बट अब ये है कि यहाँ से छू के बार बार निकल जाएगा। ठीक है, तो ये ब्रेकआउट पॉइंट यही ट्रेंड लाइन होगी, और ये ट्रेंड लाइन होगी तो 38-200 अगर कट 38-300 कटा तो सीधे 39-172 मिल सकता है दिसंबर के मंथ में। तो इसे ज़रा देख के ट्रेड करना। और मैं दिसंबर में क्यों कह रहा हूँ, देखो अगर आप इसमें देखोगे टाइम फ्रेम में, अगर मैं इसे और वाइड कर दूँ, ये देखो ये यहाँ कुछ अगर ऐसे भी रहेगा ये दिसंबर के आसपास ही यहाँ से ब्रेकआउट आ सकता है, क्योंकि उसके साथ था दिसंबर का भी महीना अब आ रहा है यहाँ पे। तो दिसंबर के एंड में कहीं ना कहीं यहाँ से ब्रेकआउट हमें मिल सकता है बैंक निफ्टी में, अदरवाइज अभी कुछ कह नहीं सकते। सो ठीक है, ये हमारा कुछ ट्रेड बनेगा कल के लिए नहीं, आने वाले दिनों के लिए। रेजिस्टेंस अभी यही होगा 38-250 ये हमें इस कर देते हैं रेड में। बट यार ये 1 आवर टाइम फ्रेम अगर मैं देख रहा हूँ ना, तो ये स्विंग के लिए है, स्विंग ट्रेड के लिए जिसे कहते हैं ना लॉन्ग जाने के लिए, ये उस हिसाब से है। तो आप जरा इसे देख के ट्रेड करना, और मुझे जहाँ तक लगता है कल मार्केट थोड़ा अच्छा बाउंड रिकवरी दिखा सकता है, कूल ऑफ हो सकता है। तो बैंक निफ्टी में भी सेटअप तैयार हो चुके हैं, 17-620 रेजिस्टेंस रहेगा, और जो है ये इसी रेंज में घूम सकता है प्राइस, या फिर और गिर सकता है, तो उसकी तो मैं भविष्यवाणी अभी नहीं कर पाऊँगा। और बैंक निफ्टी में भी सेम सेटअप है,
कल अगर इंट्राडे के लिए अगर कोई आपको रेजिस्टेंस मिलेगा तो ये यही रहेगा 17376। ठीक है, तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं अभी आपको एक स्विंग ट्रेड बताता हूँ। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इस वाली वीडियो में भी आपको स्विंग ट्रेड बताता हूँ मैं। थैंक यू।